नमस्कार मित्रों, स्टोरी ऑफ सिंहासन बत्तीसी में आठवीं पुतली पुष्पवती की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अद्भुत कला पारखी थे। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का शौक था। वे कलाकृतियों का मूल्य आंक कर बेचने वाले को मुँह मांगा दाम देते थे। एक दिन वे अपने दरबारियों के बीच बैठे थे कि किसी ने खबर दी कि एक आदमी काठ का घोड़ा बेचना चाहता है। राजा ने देखना चाहा कि उस काठ के घोड़े की विशेषता क्या है। नौकर के साथ वह आदमी दरबार में आया। अपने साथ वह ऐसा काठ का घोड़ा लाया जिसकी कारीगरी देखते बनती थी, एकदम जीवित मालूम पड़ता था। बहुत गौर से देखने पर ही पता चलता था कि लकड़ी का है। विक्रम ने उस आदमी से घोड़े की विशेषताओं के बारे में पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया कि वह घोड़ा अति तीव्र गति से जल, थल और आकाश तीनों में विचरण कर सकता है। उसके दाम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि यह उसकी जीवन भर की मेहनत का फल है, इसलिए वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम में उसे नहीं बेचेगा। राजा को उसकी बात जच गई और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने वह घोड़ा खरीद लिया। फिर वह आदमी खुले मैदान में आकर घोड़े को उठाकर दिखाने लगा तथा उसके कल पुर्जों के बारे में सब कुछ बताने लगा। उसके संचालन की सारी विधि समझकर विक्रम ने घोड़ा अपने अश्वागार में रखवा दिया। एक दिन अपने आदमियों के साथ राजा शिकार को निकली तो खुद उसी घोड़े पर सवार थी। कल पुर्जों को दबाने पर उसकी तेजी इतनी बढ़ गई कि राजा को मज़ा आ गया। वे भूल गए कि आखेट के लिए वे अकेले नहीं निकले हैं, अपनी टोली से बिछुड़कर बहुत दूर आ गए। उन्होंने उसे हवा में उड़ाने के लिए दूसरे कल पुर्जों को दबाया। उसकी गति हवा में इतनी बढ़ गई कि राजा के लिए उसे संभालना मुश्किल जान पड़ा। उन्होंने उसे ज़मीन पर उतारना चाहा तो वह उसी गति से उतरा और एक घने पेड़ की शाखाओं से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उस निर्जन और अनजान जगह पर राजा अकेले थे। वे इधर उधर भटक रहे थे तभी सामने एक बंदरिया कूदी और अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी। राजा कुछ समझ पाते तब तक उनकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। राजा को भूख लगी थी और वे थके भी थे। उन्होंने वृक्षों पर लदे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई और एक वृक्ष पर चढ़कर लेट गए। वे विश्राम कर ही रहे थे कि एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ कुटिया में रखे दो घड़ों के बीच में बंदरिया को बैठने को कहा। उसके बाद उसने एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया के ऊपर छींटे मारी। बंदरिया एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी बन गई। उसने सन्यासी के लिए भोजन पकाया तथा जब सन्यासी खा चुका तब सन्यासी के हाथ पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर राजकुमारी पर छींटे मारी। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। उसे लेकर सन्यासी कुटिया से बाहर आया और उसी वन में स्वतंत्र विचरने को छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद बंदरिया को लेकर विक्रम कुटिया में आए और घड़े से पानी लेकर बंदरिया पर छींटे डाल दिए। बंदरिया फिर से अनिद्य सुंदरी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने राजा को बताया कि वह कामदेव तथा एक अप्सरा की संतान है। एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक बाण मृग की ओर निशाना लगाकर छोड़ा। वह बाण मृग को नहीं लगकर एक साधु की बाह को बेध गया। दर्द से कराहते हुए उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि बंदरिया बनकर मुझे साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ तो उसने पसीज कर श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वरण करेंगे अगर वह साधु तुम्हें कोई चीज उपहार स्वरूप देगा। मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। अब साधु के लौटने पर मैं उससे उपहार मांगूंगी और आप मेरा
पत्नी के रूप में वरण करेंगी। विक्रम ने फिर पानी के छींटे डालकर उसे बंदरिया बना दिया। साधु आया और उसने बंदरिया से उसे राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी ने उससे कोई उपहार देने को कहा। उसने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में खिला हुआ कमल आ गया। उसने कहा, यह कमल हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। साधु ने यह भी कहा कि उसे पता है राजा विक्रमादित्य उसकी जिंदगी में आ पहुँचे हैं, इसलिए वह राजकुमारी को बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देता है। साधु ने उसके बाद राजकुमारी को अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। राजकुमारी अब पूरी तरह साप मुक्त हो गई थी। विक्रम ने तब दोनों बेतालों का स्मरण किया जो उन दोनों को नगर की सीमा पर पहुंचाकर गायब हो गया। नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो एक बच्चा कमल के पुष्प को प्राप्त करने को मचल उठा। विक्रम ने वह कमल का फूल बच्चे को तुरंत देकर संतुष्ट किया। फिर महल पहुंचकर राजकाज देखने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पास एक गरीब आदमी को पकड़कर लाया गया। उसे बहुमूल्य रत्न बेचने के आरोप में बंदी बनाया गया था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके बच्चे को किसी ने एक खिला कमल दिया था, उसी कमल से ये रत्न उसे प्राप्त हुए हैं। विक्रम ने सिपाहियों को बिना कारण किसी की ईमानदारी पर शक करने के लिए डांटा तथा वे सारे रत्न अच्छे मूल्य पर स्वयं खरीद लिए। वह आदमी राजा को दुआएं देता हुआ संतुष्ट होकर दरबार से विदा हुआ।